Good morning, dear students. Myself Sakshi, and today we are here to complete our revenge chapter, chapter 12, The Brave Act. In the previous video, we had already completed half of the chapter, and I hope in this video we will complete our whole chapter. Okay, so let me start to read this chapter again further. In this chapter, the conversation between father and son continue. So did he have to remind me? I know the man. This was the speech of Sam. Okay, Sam was the son of the Brit. Okay, sorry, Brit. Did he have to remind me? I know the mean it kindly. But did he really believe? I thought everything was all right. When everything means something like this, playing cards, slamming my way to victory, gathering and the cards, bending to pick up one that had fallen on the floor, staying bent because I had broken a thing. Thigh bone and could not move, not because of the pain, but because of the terror was then facing a murderer with a blood-stained knife. Okay, so this was a speech, and this is the speech of Sam. Sam is speech mein kya kehna cha raha hai? Did he have to remind me? Mujhe yaad aa chuka hai. I know the meant. Main janta hu it kindly ki daya poon, but he did not really believe. I thought everything was all right. मैं ये सोचता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो गया था. When everything means something like this, जैसे कि कुछ चीज़ें, playing cards, cards को खेलना, slamming my way to victory, अपने रास्ते में विजय की ओर जाना, gathering the cards, cards को इकट्ठा करना, bending to pick up one, उसमें से एक कार्ड निकालना and that had fallen on the floor, जब वो सारे जमीन पर गिर चुके हैं. Staying bent because I had broken a thing, thigh bone and could not move. क्योंकि जो सैम था उसकी जो thigh bone थी वो टूटी हुई थी, मतलब वो ज़्यादा पिकअप नहीं कर पाता था, मूव नहीं कर पाता था अपनी बॉडी को, तो वो उस चीज़ को उठाने के लिए मूव नहीं कर पाता है. नॉट बिकॉज ऑफ द पेन, पेन की वजह से नहीं, बल्कि बट बिकॉज ऑफ द टेरर, डर की वजह से. रॉस देन फेसिंग अ मर्डर विद अ ब्लड स्टेन नाइफ, उसे ऐसा लगता है कि कोई ब्लड स्टेन नाइफ, स्टूडेंट मीन्स खून से लगा हुआ चाकू जिसमें ब्लड स्टेन्स लग रहे हैं, खून लग रहा है, वो वाला नाइफ, तेज नाइफ, ऐसा लगता है उसको कि कंडीशन बहुत ज्यादा रॉस हो गई है और वो एक मर्डर को फेस कर रहा है. इस वजह से मूव नहीं कर पा रहा है फ्लोर पर क्योंकि उसकी बैक बोन जो है वो ब्रेक है, बट डर की वजह से वो मूव अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं कर पाता है. बोन डैप फेयर स्टेप ऑन द ऑफ द पेन एज इफ द मर्डर हैड डिप्ड हिज नाइफ, ऐसा लगता है उसको जैसे कि जो मर्डर है वो अपने नाइफ को डिप कर रहा है किस चीज में, इनटू माय ब्लड, उसके ब्लड में. अगेन विदाउट बोदरिंग टू फिनिश मी ऑफ, और वो जब तक करता रहेगा जब तक कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाऊंगा. इट वॉज अ ड्रीम स्टूडेंट्स, ठीक है. एंड आई वुड ड्रैग माई सेल्फ थॉट दैट अ ट्रेंच ऑफ पेन सेइंग, उस समय उसका दर्द बोलता है फोर टाइम्स रॉस देन एनी थिंग एनी वन एल्स, मे बी दिस टाइम इट विल किल मी, ऐसा लगता है कि इस टाइम वो उसको मार ही देगा. मे बी देन आई विल क्राइंग, मैं चिल्लाने लगता हूँ फॉर थिंकिंग दे वे, इस स्विच को सोचते हुए, बिकॉज इट वॉज सो फ्यूचर, क्योंकि ये सब अनसक्सेसफुल था. द नाइट फॉर द रॉस्ट, जो रात थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी. स्लीपनेस ड्रोव माई थॉट्स राउंड द क्रेजिस्ट बैन, हर तरफ जो स्लीपनेस अनिंद्रा थी वो हर तरफ मेरे थॉट्स में, मेरे विचारों में घूम रही थी. द फ्लैट वॉज लाइफलेस राउंड मी, नो वन टू डाइवर्ट मी विद द विस्पर, कोई भी मुझे विस्पर्स में डाइवर्ट नहीं कर पा रहा था. डॉली एंड सैरा एंड सैम स्लीपिंग लाइंग एन इनसोनमिक इन वे एंड एक्सॉर्टेड एज देयर ब्रोकन चाइल्ड. देन समवन वेक टू आस्क इफ आई वांटेड टू सिप ऑफ वाटर एंड आई हैड से जस्ट गिवन इट, अगर मुझसे उस टाइम वो ये सोचता है कि अगर मुझे कोई वाटर ऑफर करेगा तो मैं एक जिप वाटर की पीकर कहूंगा कि हाँ यस इवन इफ आई डिड नॉट वांट एनी बिकॉज ऑफ द समथिंग मेड थिंग्स सीम बेटर, क्योंकि उस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली थी. आई हैड आस्क्ड सिली क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिली थे. व्हाट इज द टाइम, टाइम पूछा जाता है. व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो रहा है. व्हेन विल द मिल्कमैन कम, कब जो दूध वाला है वो आएगा. एंड आई हैड टेकन वेरी आंसर द ग्लेवरिंग किस एंड क्रॉल बैक टू द टॉर्चन हाउस अलोन,